मोहित मल्होत्रा के पास एक बार फिर से चलते हैं। मोहित, आप अगर आप इस समय बिजी हैं और अभी आप सुन पा रहे हैं क्या मुझे, और कोई लेटेस्ट अपडेट है क्या आपके पास? मोहित, मैं आपसे लगातार यहां पर जो माहौल बना हुआ है सीएम जी, सीएम के आने का यहाँ पर माहौल बना हुआ है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा जल्दी से, अपने कैमरामैन से कहूंगा आपको दिखाएं अंदर का नजारा। पूरी यहाँ पर पुलिस सिक्योरिटी लगा दी गई है, सीएम सिक्योरिटी यहाँ पर तैनात है और सिर्फ अब मुख्यमंत्री के आने का इंतजार है। माना जा रहा है कि जैसे ही मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे तब तक नवजोत सिंह सिद्धू का काफिला भी यहाँ पर पहुंच सकता है और दोनों नेताओं के बीच में जो बैठक होने जा रही है उसमें आला कमान का सीधा इंटरफेयर रहेगा, क्योंकि हरीश चौधरी पंजाब के ऑब्जर्वर यहाँ पर पहले ही पहुंच चुके हैं, उन्होंने मीडिया से कोई बात नहीं की और इंतजार करने के लिए कहा है। तो माना जा रहा है कि जो सख्त रवैया था, जो अल्टीमेटम था केंद्रीय आलाकमान का, वो भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है नवजोत सिंह सिद्धू पर। और इस पूरे मामले में जो वो कह रहे हैं कि एडवोकेट जनरल और डीजीपी के मुद्दे को जो उठा रहे हैं उसको जल्द से जल्द सुझाया जा सकता है और चरणजीत सिंह चन्नी भी थोड़े नरम पड़ सकते हैं और कोशिश की जाएगी कि नवजोत सिंह सिद्धू भी अपने तेवर ढीले करें। जी चलिए, आपके पास मैं फिर से लौटता हूँ और विपिन चौबे का रुख एक बार फिर से करूँ। उससे पहले आपको ये बता दूँ कि समय की स्थितियाँ ये हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू जा रहे हैं चंडीगढ़ मिलने के लिए सीएम चन्नी से। सीएम चन्नी जहां पहुंच रहे हैं वहां आपने देखा कि किस तरीके से सीएम सिक्योरिटी वहां पर तैनात है। ये पंजाब भवन है जहां पर मौजूद है हमारे संवाददाता मोहित और आपको बता रहे हैं कि वहां किस तरह की तैयारियां हो गई हैं, किस तरीके से वहां सिक्योरिटी, सीएम क्योंकि पहुँचने वाले हैं, वो दिखाई दे रही है। वहाँ कांग्रेस के ऑब्जर्वर जो पंजाब के लिए नियुक्त हैं खासतौर से इस घटनाक्रम के लिए, वो हरीश चौधरी, उन्होंने अभी फिलहाल मीडिया से कोई बातचीत नहीं की है, कुछ राज और भेद नहीं खोला है, कम से कम दिल नहीं खोला है। और इधर विपिन चौबे आपको ये बता रहे हैं कि कम से कम शारीरिक भाषा को संयत रखने की कोशिश करके अपने घर से निकले हैं सिद्धू और अब रास्ते में हैं, कुछ ही देर में चंडीगढ़ पहुँचने वाले हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जब बाहर निकले तो उन्होंने भरसक संयत रखा अपने आप को और चेहरे पर मुस्कुराहट भी रखी। अब सवाल ये है विपिन कि ये जो बातें की जा रही हैं, आप देखिए यहाँ भी देख रहे होंगे, कैप्टन अमरिंदर सिंह कह रहे हैं मेरा अपमान किया गया और अब मैं कांग्रेस में नहीं रहूंगा, अब वो किधर जाएंगे, क्या करेंगे, वो एनएसए से भी मिले हैं, क्या बातें कहने के लिए मिले हैं, ये भी बड़ा सवाल है। और दूसरी तरफ कांग्रेस के अंदर से लोग हमलावर हैं, बाहर से तो खैर हमले हो ही रहे थे। इस पूरे सूरत हाल में ये सिद्धू एपिसोड और आज की मुलाकात, ये पूरी तस्वीर कैसे देखते हैं आप विपिन? देखिए, कहीं ना कहीं तीन धड़े हैं। अब पहले कांग्रेस में दो धड़े थे, एक कैप्टन का धड़ा और दूसरी तरफ नवजोत सिंह सिद्धू का, लेकिन अब तीन पावर सेंटर्स हो गए थे। हालांकि कैप्टन खुद को अपने इन पावर सेंटर से विड्रॉ कर चुके हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।